नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ चौबे इतिहास इस मंच पर हिस्ट्री विद सौरभ चौबे के साथ। आज हम लोग इतिहास शुरू करने से पहले इतिहास की कुछ बेसिक बातें करेंगे, इतिहास की कुछ मूलभूत बातों को समझेंगे, उसके बाद फिर प्रतिदिन हर एक नए चैप्टर के साथ अपना इतिहास आगे बढ़ाएंगे, जिसमें आप लोग को सुविधा होगी। अगर कहेंगे प्राचीन भारत से शुरू कर दी जाएगी, आधुनिक भारत कहेंगे आधुनिक भारत से शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन उन सबसे पहले इतिहास की कुछ बेसिक बातें बता दूं, फिर आगे हम अपनी बात बढ़ाएंगे। इतिहास एक ग्रीक शब्द है हिस्टोरिया, इसी से निकला है हिस्ट्री। इस इतिहास का सबसे पहला साहित्यिक साक्ष्य हमें अथर्ववेद में मिलता है। इतिहास अथर्ववेद का एक उपवेद भी माना गया है। हम इतिहास क्यों पढ़ें और किसका पढ़ें? इतिहास क्यों और इतिहास किसका? किसका इतिहास? तो भारत का इतिहास। अभी हम आएंगे इस पर, भारत के नामकरण पर, पहले ये बेसिक चीज़ें इस पर आ जाएं, फिर तो हम बता रहे हैं इतिहास क्यों। तो जिस तरह तीर को लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए धनुष की डोर को कान के पीछे तक खींचना अनिवार्य है, ऐसे ही यदि आप अपना वर्तमान सुनिश्चित करना चाहते हैं तो अतीत का अध्ययन अनिवार्य है। जब हम धनुष की डोर को अपने कान के पीछे तक लेके प्रत्यंचा को खींचते हैं तो अतीत की ओर ही हो जाने का संकेत है। इतिहास की इसी महत्व को देखते हुए कौटिल्य ने कहा था कि राजा को प्रतिदिन कुछ समय इतिहास श्रवण में लगाना चाहिए। एक विद्वान हुए E.H. कार, इन्होंने एक किताब लिखी व्हाट इज हिस्ट्री, इनकी पुस्तक का नाम है। इसमें इन्होंने कहा है कि इतिहास प्राचीन और वर्तमान के बीच का अनवरत संवाद है। एक विद्वान रहे ब्यूरी के अनुसार इतिहास विज्ञान है, न कम न ज्यादा। जैसे बताया कि ईएचकार ने कहा कि इतिहास प्राचीन और वर्तमान के बीच का एक अनवरत कंटिन्यूअस डायलॉग अनवरत संवाद है, तो ये ब्यूरी ने कहा कि इतिहास विज्ञान है, न कम न ज़्यादा। देखिए, विज्ञान आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कोई भी क्रमगत सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ये पुरानी और हालांकि मूलभूत बातें उन विज्ञान की है, हमें उससे नहीं बनना। विज्ञान का एक महत्वपूर्ण लक्षण होता है क्या, कि विज्ञान में एक सत्य होता है जिसे हम कहते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ या सार्वभौमिक ट्रुथ, सत्य। विज्ञान का एक लक्षण होता है जिसे हम कहते हैं सार्वभौमिक सत्य। सार्वभौमिक सत्य है कि जैसे हाइड्रोजन के दो अणुओं में ऑक्सीजन का एक अणु बने मिलेगा तो पानी बनेगा। यह पानी आप रसिया में भी जाके समीकरण करोगे तब भी समान व्यवहार रिजल्ट मिलेगा, आप भारत में भी यही प्रक्रिया अपनाओगे तब भी वह पानी ही बनेगा, कुछ और नहीं बन जाएगा। क्यों? क्योंकि यह विज्ञान का यूनिवर्सल ट्रुथ है। अगर हमको लक्षण दिखता है तो हम इतिहास में प्रेडिक्शन भविष्यवाणी भी कर सकते हैं, या विज्ञान में भी हम भविष्यवाणी कर देते हैं। यह भी विज्ञान का एक क्या है, लक्षण है। तो क्या ऐसी सार्वभौमिक सत्यता इतिहास में देखने को मिलती है? क्या इतिहास में भी भविष्यवाणी की जा सकती है? मोटी मोटा जैसे लक्षण दिखते हैं तो हम कर लेते हैं, जैसे दो शासक हुए, एक हुआ मोहम्मद बिन तुगलक MBT, एक हुआ औरंगजेब। दो शासक और ले लेते हैं यहां पर, एक समुद्रगुप्त, दूसरा अलाउद्दीन खिलजी। समुद्रगुप्त की नीति थी दक्षिण भारतीय संदर्भ में, खास तौर से समुद्रगुप्त की नीति थी ग्रहण मोक्षानुग्रह की। यही नीति अलाउद्दीन खिलजी भी लाया। क्यों? क्योंकि वो जानता था कि दिल्ली से इतनी दूर पे इन राज्यों का प्रत्यक्ष नियंत्रण कर पाना संभव नहीं, क्योंकि
इसके लक्षण दिखे, बाद में ये इसी लक्षण से आगे बढ़ा, यही लक्षण लेके आगे ये भी चल रहा है, तो हमने कहा वो सफल था, तो ये भी सफल था, एक भविष्यवाणी हुई। ऐसे ही मोहम्मद बिन तुगलक, उसने मध्ययुगीन संचार माध्यमों को अनदेखी करते हुए उसने अपने साम्राज्य का आकार खूब बड़ा कर लिया, केंद्र से प्रांत तक की दूरी हो गई। स्वाभाविक बात है कि जब आप अपनी भुजा इतनी लंबी कर लेंगे तो आप सब पे नियंत्रण नहीं कर पाएंगे, वो भी प्रत्यक्ष नियंत्रण, पतन स्वाभाविक था। यही लक्षण हमको आगे चलकर औरंगजेब में भी दिखता है, तो हम कह देते हैं निश्चित रूप से एक भविष्यवाणी या लक्षण के आधार पर हमने कर दिया कि औरंगजेब के भी साम्राज्य में पतन का यह कारण बनेगा। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा सब लोग कि कभी भी इतिहास कंप्लीट साइंस नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि यह या कभी भी इतिहास भौतिक और रसायन जैसा पूर्ण विज्ञान नहीं हो सकता है। क्यों? क्यों? क्योंकि यह भौतिक और रसायन की तरह जड़ पदार्थों का अध्ययन नहीं करता है, बल्कि यह मानव और उस मानव द्वारा निर्मित समाज का अध्ययन करता है। एक मशीन के उत्पादन की गारंटी दी जा सकती है, आज 6 घंटा काम किया है, 10 टन जो है उत्पादन हुआ है, कल भी 6 घंटा काम करेगा तो 10 टन होगा, लेकिन वो मानव जिसका व्यवहार आज सकारात्मक है उसकी क्या गारंटी है कि कल भी सकारात्मक होगा। यही कारण है कि इतिहास को पूर्ण विज्ञान का दर्जा न देकर सामाजिक विज्ञान का दर्जा दिया जाता है। इतिहास, एक चीज जान लीजिएगा, इतिहास हमेशा प्रमाण के बैसाखी पे चलता है, हमेशा। जब आप लोग शोध करते हैं तो आपको दो जगह से वो पीएचडी की डिग्री एक तरह से मिल जाती है, चाहे आप किसी भी सिम करिए, एक तो मिली जाती है आपको डॉक्टरेट ऑफ फिलासफी की ही। क्यों? क्योंकि आपने सोचा। लेकिन जब आपके सोच के साथ प्रमाण जुड़ता है तभी वह इतिहास की परिधि में आता है। केवल अगर आप, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो मेंस लिखते हैं, वो लोग बताते हैं कि मेंस में नंबर नहीं मिल रहा है, नंबर नहीं मिल रहा है, इतिहास लिख रहे हैं, इतिहास नहीं, केवल सोच जा रहा है। आप जो सोच रहे हैं, जो आप विचार दे रहे हैं, उस विचार को प्रमाण से पुष्ट करिए। अगर वह विचार आपके प्रमाण से पुष्ट नहीं है तब वो इतिहास कहां है? वो तो दंत कथा है। आपकी वह सोच जो आपके प्रमाण से पुष्ट नहीं हो रही है तब आप इतिहास नहीं, आप दंत कथा देख रहे हो। तो हमेशा जब आपकी सोच के साथ प्रमाण जुड़ता है तो वही इतिहास की परिधि में आता है। कोई भी एक विचार रखिए, जैसे एक विचार रखिए, एक उदाहरण इस पर देते हैं, जैसे एक विचार है, सोच है कि औरंगजेब की नीति हिंदू विरोधी नीति थी। मैं कहता हूँ नहीं, औरंगजेब की नीति हिंदू विरोधी नीति नहीं थी, यह है सोच, एक विचार है, ये तो दर्शन है। यह एक सोच नहीं थी, यह एक विचार है, यह एक दर्शन है। अब इस पर प्रमाण दे दूं, या आप कहते हैं कि औरंगजेब की नीति हिंदू विरोधी नीति थी, तो आप उसके अपना प्रमाण दे दीजिए। हर एक आदमी इतिहासकार है। क्यों? क्योंकि वो सोचता है और सोच के साथ अपना प्रमाण संलग्न करता है। हमेशा औरंगजेब की नीति हिंदू विरोधी नीति नहीं थी, जैसे मैंने कहा नहीं थी, यह सोच है, प्रमाण लीजिए। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, शिवाजी आगरा में नज़रबंद थे, मराठवाड़ा का एरिया, लेकिन जब शिवाजी, ये आपका राजपूताना पड़ता है, शिवाजी भी हिंदू थे, राजपूत भी हिंदू थे, मुगल मुसलमान थे, छोटी सी बात, जैसा हम लोगों को पढ़ाया गया, अक्सर बताया गया मुगलों के बारे में, जैसा खाका खींचा गया, अभी आते सब उन्हीं सब पे। अगर शिवाजी जब नज़रबंदी से निकले तो शिवाजी चाहते तो आराम से, एक हिंदू थे, दूसरा राजपूताना हिंदू राज, आराम से एक छोटी सी समयावधि में अपने महाराष्ट्र आ सकते थे। लेकिन शिवाजी ने जाते समय महाराष्ट्र पहुंचने के लिए ये पूर्व वाला रास्ता पकड़ा, उड़ीसा पूरी होते हुए उन्होंने यह यात्रा मार्ग तय किया था। आखिर ऐसा क्यों? अगर औरंगजेब की नीति या मुगलों की नीति हिंदू विरोधी नीति थी तो फिर शिवाजी को यह राजपूताना वाला मार्ग पकड़ना चाहिए था, लेकिन नहीं। क्यों? क्योंकि शिवाजी जानते थे कि राजपूत, अधिकांश राजपूत वह मुगल समर्थक हैं,
यह सीमा जी को पता था हम केवल मेवाड़ और मारवाड़ के विद्रोह को, पूरे राजपूताना का विद्रोह नहीं मार सकते। अब फिर अगर औरंगजेब के अगेंस्ट राजपूत विरोधी हो ही गए थे तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1707 उत्तराधिकार का युद्ध लड़ा जाता है, मुगल उत्तराधिकार का युद्ध, फिर उसमें राजपूत दोनों खेमे से लड़ रहे हैं। यह केवल जो भी देखने को मिला सत्ता का संघर्ष था, न कि धर्म का संघर्ष था। मुगल कभी भी भारत में हिंदू विरोधी नहीं रहे, इसका सबसे बड़ा प्रमाण है 1857 का विद्रोह। रानी लक्ष्मीबाई, मैं अपनी झांसी किसी को नहीं दूंगी, लेकिन उन्होंने अपना नेता मान लिया नाम मात्र के मुगल बहादुर शाह जफर को। नाना साहब, उनको पेंशन मिल जाती, हो सकता था विद्रोह रुक जाता उनका, लेकिन उन्होंने भी अपना जो है नेता किसे मान लिया, बहादुर शाह जफर को। तो मतलब जितने भी ये लोग हैं विद्रोह कर रहे हैं, या जिसको, हालांकि विद्रोह तो शब्द देना अंग्रेजों का है, हम लोग अगर विद्रोह न कह के इसको हम सही शब्द दें तो मुक्ति संग्राम। तो ये मुक्ति संग्राम 1857 के बीच का चला, इसमें सबका नेता कौन था, मुगल थे, बहादुर शाह जफर था। तो फिर मुगल अगर हिंदू विरोधी नीति थी, मुगलों को अगर हमेशा उन्होंने हिंदुओं का विरोध किया या उनकी हिंदू विरोधी नीति थी, तो फिर हिंदू जनमानस में उनकी पैठ कैसे हो गई। यानी कि यह केवल केवल सांप्रदायिक इतिहास लेखन के ही परिणाम है जो हम और आप ऐसा सोचते हैं। उसके बाद फिर हमने कहा इतिहास प्रमाण के बैसाखी पर चलता है, इस प्रमाण का आधार होता है फैक्ट। फैक्ट मतलब तथ्य। यह जो तथ्य है यह बड़ा भोला होता है, लेकिन इसको भाला इतिहासकार बनाता है। जब इतिहासकार इतिहास लिखने से पहले निष्कर्ष अपने दिमाग में ले चुका है, फिर वह अपने निष्कर्ष के अकॉर्डिंग ही इन तथ्यों को फिट करता है। आप औरंगजेब पर शोध करने जा रहे हैं और औरंगजेब पर निष्कर्ष आप पहले ही एक, अगर अपने जिसे पूर्वाग्रह कहते हैं, यह भी शोध का एक बहुत बड़ा दोष है, अगर आप पूर्वाग्रह से ग्रस्त हैं तो आपका शोध निश्चित रूप से प्रभावित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप भी इंसान हो, कोई आप निर्वात में काम थोड़ी करते हो, आपके भी अपने मानवीय मूल्य हैं, आपकी भी अपनी एक अच्छाई बुराई, किसी के प्रति लगाव, किसी के प्रति द्वेष है। तो शोध के लिए तो यही होना चाहिए कि सबसे अच्छा यही है कि आप किसी को भी पढ़ रहे हैं, खासतौर से जब मेरे साथ इतिहास पढ़िए तो किसी के भी बारे में पूर्व अवधारणा पहले से न बना लीजिए। तथ्य रखेंगे, तथ्य के आधार पर देखेंगे, जो उनके सामने उनका निष्कर्ष निकल के आए। हम जब रखेंगे तो मुझको, तो मैं जब भी रखता हूँ औरंगजेब को, तो यही निकल के आता है कि औरंगजेब बद नहीं बदनाम था। बद मतलब औरंगजेब खराब नहीं था, उसे खराब बताया गया है। या जो भी हो, मैं अपना प्रमाण रखूंगा, आप लोग अपना प्रमाण दीजिएगा, कोई भी चीज हो वह प्रमाण के आधार पर आगे बढ़े। दूसरी बात, इतिहास में काल विभाजन। एक बार ईसाई मिशनरी थे, विद्वान थे, जेम्स मिल, ये कभी भी भारत नहीं आए, लेकिन बिना भारत आए इन्होंने एक किताब लिख मारी, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। यह पुस्तक पूछ चुका है एक बार एग्जाम में, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ईसाई मिशनरी थे। दरअसल हुआ क्या था कि 1813 के अधिनियम के बाद से, लगभग इसी समय नेपोलियन का डर भी खत्म हो गया था, उसकी महाद्वीपीय व्यवस्था का सब जो है पोल भी खुल चुकी थी, अब कोई भारत में हमला भी न होता, आंतरिक रूप से अंग्रेज जो भी छोटी मोटी देशी शक्ति थे, सबसे बड़ी देशी शक्ति मराठे थे, उनको कमज़ोर कर ही चुके थे, दो युद्ध मराठों से लड़ ही चुके थे। मतलब कुल मिला जुला के ये था कि भारत विजय का जो मैच था वह अपने 40वें ओवर पे चल रहा था, अब परिणाम दिख रहा था अंग्रेजों को, आज नहीं कल तो जीत ही लेंगे, जो थोड़े मोड़े चार और बचे थे। तो 1813 के अधिनियम में अंग्रेजों ने, बताऊंगा क्यों 1813 के ही एक्ट में बाद में, कि जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, कि उसी समय ईसाई मिशनरियों को अनुमति दी गई धर्म प्रचार करने के लिए, लेकिन उसके पहले नहीं, बेलजली तक ने रोक लगा दी ईसाई मिशनरियों को कि नहीं, भारत में भी धर्म प्रचार करने का टाइम नहीं आया है। वैसे भी भारत एक आध्यात्मिक देश रहा है, यहाँ कहा भी जाता है कि साहब पेट पे लात मारो चलेगा, लेकिन धर्म पे नहीं। एक बार लात मारा, 1857 हो गई।
जेम्स मिल हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, इन्होंने इस किताब में भारतीय इतिहास को तीन भागों में बांट दिया। ये बंदा बार बार कह रहा हूँ, कभी भारत नहीं आया, भारत की आबोहवा, भारत के कल्चर संस्कार इसकी कोई जानकारी नहीं, लेकिन तब भी बिना जानकारी होते हुए उसने भारतीय इतिहास को तीन भागों में बांट दिया। पहला कहता है प्राचीन काल, दूसरा कहता है मध्यकाल, और तीसरा कहता है आधुनिक काल। इसको वह प्राचीन काल को वह नाम देता है हिंदू काल, धर्म के आधार पे। मध्यकाल को वह नाम देता है मुस्लिम काल, क्यों? क्योंकि अधिकांश शासक मुस्लिम थे। ऐसे ही यहाँ पे इस काल में शासक हिंदू थे, लेकिन आधुनिक काल को उसने कभी ईसाई काल नहीं कहा। बेहतर होता कि जेम्स मिल आधुनिक काल को ईसाई काल कहता। अभी आते हैं इस काल पे। पहली बात देखिए, प्राचीन भारतीय इतिहास में सब कुछ प्राचीन नहीं है। बड़े अच्छे से एनसीईआरटी में, रामेश्वर शर्मा वाली एनसीईआरटी में एक बात लिखी है कि जो सिंधु नगरी नियोजन था, सिंधु नालियों की व्यवस्था थी, वो 17वीं सेंचुरी एडी तक पेरिस में नहीं थी, जैसा सिंधु जल निकासी के पढ़ाती थी। 17वीं शताब्दी पेरिस का मतलब ये था कि उस समय अगर फ्रांस छींक दे तो यूरोप को बुखार आ जाए। पूरा केंद्र बन चुका था फ्रांस 17वीं शताब्दी में। तो इसमें बड़ी आप लोग तुलना करते हो सब लोग की ऐसी सतह जो है उसमें पेरिस में भी नहीं थी। तो जब जल निकासी वैसी सिंधु नगर नियोजन वैसी सिंधु जल निकासी प्रणाली 17वीं शताब्दी जिसे जो कि आधुनिक काल के संदर्भ में आता है फ्रांस के पेरिस तक में नहीं थी, तो इस उदाहरण के संदर्भ में प्राचीन काल में कौन है? क्या सिंधु जन कि फ्रांस वाले? फ्रांस वाले। बस बात कहने का यह मतलब है कि आखिर इस काल निर्धारण के तुलना का आधार क्या था? उसकी दिमाग की सनक। बस उसने अपने सनक के आधार पर प्राचीन काल, मध्यकाल और यह आधुनिक काल, यह तीन कालों में विभाजित किया। दूसरी बात, मध्यकाल, मध्यकाल को जो ये काल विभाजन है, मजे की बात यह है कि इस काल विभाजन की अवधारणा को राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने भी स्वीकार किया। वे उनको प्राचीन काल स्वर्ण काल दिखेगा, इसमें भी गुप्त काल इनके लिए स्वर्ण काल है, या जो भी है, जो भी उपलब्धियां हैं, जो भी भारतीय प्राचीन गौरव है, वह सब का सब वह प्राचीन काल से खोज के लाए। मध्यकाल को लोगों ने संक्रमण काल के रूप में स्वीकार किया। यह मध्यकाल संक्रमण काल नहीं है, बल्कि यह मध्यकाल या जिसे 1192 ईस्वी से शुरुआत मानी जाती है जब मुसलमानों का भारत में आगमन हुआ, यहाँ से यह भी तो दिखा कि गंगा यमुना तहजीब की एक नई धारा की शुरुआत थी, ये भी तो है इसमें। इस गंगा यमुना तहजीब के सबसे बड़ा प्रतिनिधि था अकबर। तो मध्यकाल या जिसको मुस्लिम काल कह रहा है जेम्स मिल, वह मध्यकाल संक्रमण काल नहीं था, वो तो सांप्रदायिक इतिहास लेखन का एक आधार ही बन जाएगा। इसी को आधार बना के लोग आगे बढ़े। तो न मध्यकाल संक्रमण काल है और आधुनिक काल तो एकदम आधुनिक काल नहीं था। क्यों? क्योंकि जो यह आधुनिकता थी यह केवल कुछ भारतीयों के लिए थी, जो राजा थे, नवाब थे या थोड़े बहुत शिक्षित थे। हमारे लिए यह औपनिवेशिक काल था, भारत गुलाम बन चुका था, हमारा मात्र देश ब्रिटेन था और हम उसके सैटेलाइट थे। हमको अब उसके लिए हित के लिए काम करना है, कभी कच्चे माल के उत्पादन के रूप में तो कभी उसी माल से निर्मित उत्पाद के बाजार के रूप में। एक विद्वान हैं सरकार साहब, यदुनाथ सरकार साहब, वो कहते हैं कि प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी, कहते हैं कि प्लासी के युद्ध से भारत में मध्यकाल का अंत हुआ और आधुनिकता का प्रारंभ हुआ। यह सही नहीं है। वास्तव में प्लासी के युद्ध से जो शुरू हुआ वह साम्राज्यवाद था, प्लासी के युद्ध से जो शुरू हुआ वह साम्राज्यवाद था, न कि आधुनिकता थी। अगर बंगाल के कवि नवीन चंद्र सेन के शब्दों में कहा जाए तो भारतीयों के लिए तो अब से शाश्वत दुख की काली रात शुरू हुई। जब मैं आधुनिक भारत पढ़ाऊंगा, इन सब सारी चीज़ों को विस्तार से पढ़ाऊंगा, ऐसी कोई आधुनिकता नहीं थी हमारे लिए, हम गुलाम बन चुके थे, हमारे लिए औपनिवेशिक काल था। लेकिन फिर भी
यह आधुनिक काल, आधुनिक काल निर्धारण का और भी आधार रहा कि जैसे 1707 ईस्वी में औरंगजेब मरा, औरंगजेब की मृत्यु के बाद भी कुछ लोग जो है यहाँ से मध्यकाल का अंत और आधुनिकता का प्रारंभ मानते हैं, और इसी समय अंग्रेज या साम्राज्यवादी इतिहासकारों ने इस 18वीं शताब्दी को पूरा का पूरा 18वीं शताब्दी को डार्क एज कह दिया, अंधकार युग। इस पूरी शताब्दी को इन्होंने अंधकार युग कह दिया। भारतीय इतिहास में हम दो बार ऐसी अंधकार युग की अवधारणा का उल्लेख पाते हैं। एक प्राचीन काल में जब मौर्योत्तर काल था तो मौर्योत्तर काल को भी कभी अंधकार युग समझा जाता था, लेकिन मार्क्सवादी इतिहासकारों ने इस मौर्योत्तर काल के अंधकार युग अवधारणा का उन्होंने बाकायदा खंडन कर दिया है। बल्कि कुछ मार्क्सवादी इतिहासकार तो मौर्योत्तर काल को ही भारत का स्वर्णकाल मानते हैं। ऐसे ही 18वीं शताब्दी इसी को 18वीं शताब्दी का विवाद भी कहते हैं कि क्या वास्तव में भारत अंधकार युग में था, हमारे यहाँ डार्क एज था। कोई भी काल हो, चाहे मौर्योत्तर काल हो चाहे 18वीं शताब्दी हो, अगर ऐसा कोई भी आक्षेप लगाया जा रहा है तो बस सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक इन चार कसौटियों पे इनको कस लीजिए, पता चल जाएगा। जब मैं पढ़ाऊंगा मॉडर्न इंडिया तब इसको विस्तार से बताऊंगा। जैसे एक ही देख लीजिए, राजनीतिक स्तर पर या पॉलिटिकल, राजनीतिक स्तर पर हम देखें तो यह केंद्रीय नियंत्रण के ह्रास का परिणाम है। यहाँ पे हमें केंद्रीय नियंत्रण ढीला दिखता है, लेकिन किसी भी दोनों शताब्दियों में राजनीतिक शून्यता का अभाव नहीं था। हाँ, केंद्रीय नियंत्रण नहीं है, केंद्रीय सत्ता का अभाव है, लेकिन राजनीतिक शून्यता नहीं है। यह राजनीतिक शून्यता होती तो कैसे अवध में जो है नया वंश आता, निजाम हैदराबाद में करता, रुहेले, बंगस पठान या और जो भी लोगों ने किया, या मुगलों के ऊपर जो उत्तराधिकारी राज्य है सब। तो राजनीतिक शून्यता नहीं है, वो अलग बात है कि केंद्रीय सत्ता का अभाव है। केंद्रीय सत्ता का अभाव जहाँ भी रहेगा, या राजनीतिक स्तर पे ये जो विकेंद्रीकरण की स्थिति थी, तो क्या विकेंद्रीकरण की स्थिति के आधार पे हम निष्कर्ष निकाल देंगे कि यह डार्क एज था? विकेंद्रीकरण तो हम लोगों ने 73वें और 74वें संविधान संशोधन से भी किया, तो क्या हम विकेंद्रीकरण कर रहे हैं तो हम चले गए डार्क एज में? ऐसे ही चाहे आप कोई भी एक आप सामाजिक इसका पहलू भी देख सकते हैं। जैसे बार बार साम्राज्यवादी इतिहासकारों ने क्या कि भारतीय महिलाएं अधिकार विहीन थी, ये काल में उनका बड़ा शोषण हो रहा था, या कुछ भी जो भी उन्होंने कहा, तो सीधी सी एक बात है, अगर भारतीय महिलाएं अधिकार विहीन थी तो विश्व में कहाँ की महिलाएं थीं जो इतना अपने फुल अथॉरिटी या फुल स्वतंत्रता को एंजॉयमेंट कर रही थी? पूरे विश्व की महिलाएं पद दलित अधिकार विहीन थी, तो भारतीय महिलाएं भी थी। तो ये कौन सी नई बात हो गई कि हम डार्क एज में हो गए और आप लाइट एज में? आखिर भारतीय महिलाएं अधिकार विहीन पद दलित थी तो कहाँ की नहीं थी, सबके साथ यही बात थी। इनके आधार पर नहीं, वहाँ पे हम इसको विस्तार से बताएंगे। बस हमारे कहने का ये मतलब था कि भारतीय इतिहास में कोई भी काल विभाजन नहीं है। इंटरव्यू में भी ये चीज़ बार बार पूछी जाती है कि आखिर क्यों हम काल विभाजन को एक्सेप्ट किए हुए हैं। बस इसका छोटा सा यही जवाब है कि अध्ययन की सुविधा के लिए हमने इस काल विभाजन की अवधारणा को स्वीकार किया है। अध्ययन की सुविधा के लिए हम लोगों ने इस काल विभाजन की अवधारणा को स्वीकार किया है, केवल अध्ययन की सुविधा के लिए। अगला टॉपिक, अच्छा, काल विभाजन वैसे भी व्यवहारिक रूप से संभव नहीं। जरा ये देखिए कि प्राचीन काल जो कहा जाता है, प्राचीन काल कब से कब तक? कुछ हर्ष की मृत्यु हुई, प्राचीन काल खत्म हो गया। मध्यकाल कब से कब तक? तो मध्यकाल की शुरुआत 1200 ईस्वी से, तो ये 1200 ईस्वी से 1200 AD से मध्यकाल की शुरुआत हो रही है। प्राचीन काल 647 ईस्वी में खत्म हो रहा है, तो यह फिर बीच का काल कौन पड़ेगा? फिर इस बीच के काल को भी एक नया काल दिया जाए? बहुत दिनों तक ये बीच का काल बेचारा अनाथ था, वो तो बाद में इसको जो है विशुद्धानंद पाठक मिले, तो इसका निकल के आया 800 ईस्वी से 1200 ईस्वी को AD को नाम दे दिया गया पूर्व मध्य काल का। काल में ही एक और काल विभाजन, इसको नाम दे दिया गया पूर्व मध्यकाल का। ठीक, बार बार कहा यही बात
कि हम काल विभाजन अगर एक्सेप्ट किए हुए हैं तो केवल केवल अध्ययन की सुविधा के लिए, अन्यथा इतिहास में कोई भी काल विभाजन जैसी अवधारणा नहीं है। और जिसको आधुनिक काल बताया जा रहा है वह हमारे संदर्भ में आधुनिकता तो थी ही नहीं, वो हम औपनिवेशिक काल में आ गए थे, हम गुलाम हो गए थे और हमारा मातृ देश ब्रिटेन था। एक शॉर्ट नोट आप लोग कर लीजिएगा, सोचिएगा, फिर बाद में जब हम शुरू करेंगे तो इसको समझा देंगे, इसको लिख लीजिएगा। और भी जो आप पढ़ रहे हैं, जिस भी तरीके से पढ़ रहे हैं, तो उसको एक बार लिखने का प्रयास करिएगा, फिर देखा जाएगा। प्रश्न ये है कि उपनिवेश मातृ देश से तब तक जुड़े होते हैं जब तक कि पक न जाए, पक न जाए। टिप्पणी करिए 300 शब्द में, ये कर लीजिएगा, फिर देखते हैं कोई तरीका कुछ निकाला जाएगा तो वहाँ बताऊंगा कि उपनिवेश बनाना केवल ब्रिटेन वालों की ही देन नहीं है, हम प्राचीन काल में ही उपनिवेश बनवा चुके थे, दक्षिण पूर्व एशिया के सारे देश उपनिवेश थे, लेकिन वो हमारा बनाया गया उपनिवेश और उनके द्वारा किया गया उपनिवेश में बहुत अंतर था। उनका जो उपनिवेश था वह वाणिज्यवाद के कोख से पैदा हुआ था, जिसके गर्भ में साम्राज्यवाद पलता था, और हमारे द्वारा जो बनाया गया उपनिवेश था वह आपसी सहमति और समन्वय पर आधारित था। इतिहास में अक्सर एक चीज़ और बात की जाती है कि क्या इतिहास, कि क्या इतिहास खुद को दोहराता है। यह अक्सर बोला जाता है कि इतिहास, उसने इतिहास दोहरा दिया, यह अक्सर बोला जाता है कि क्या इतिहास खुद को दोहराता है, तो नहीं, इतिहास कभी भी खुद को नहीं दोहराता, वह हमें दोहराता हुआ प्रतीत होता है। अगर इतिहास अपने, इतिहास के प्राण तत्व क्या हैं? काल और समय, काल और समय इतिहास के प्राण तत्व हैं। अगर इतिहास खुद को दोहरा दे तो आप उस काल में चले जाए। जैसे देखिए एग्जाम्पल, बुद्ध ने भी अहिंसा की बात की, महात्मा गांधी ने भी अहिंसा की बात की, गांधी जी ने भी अहिंसा की बात की, लेकिन दोनों लोगों के द्वारा अहिंसा पर बल देने से क्या हम ये कहेंगे कि क्या, सॉरी, लेकिन गांधी जी द्वारा बुद्ध युग, बुद्ध की अहिंसा की बात को दोहराने से क्या हम ये कहेंगे कि हम प्राचीन काल में आ गए? यह इतिहास खुद को दोहराता हुआ प्रतीत हो रहा है, दोहरा नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि अगर आप ऐसा बोलते हो कि इतिहास खुद को दोहराता है तो जो इतिहास का बेस है काल और समय, आप उसकी अनदेखी कर रहे हैं। इतिहास कभी भी खुद को नहीं दोहराता, वह दोहराता हुआ प्रतीत होता है। गांधी की जो अहिंसा थी, थोड़ा सा इस पर, गांधी की अहिंसा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उस समय बहुत अपरिहार्य थी, चूँकि शासक शक्तिशाली था इसलिए अहिंसा अनिवार्य थी। सीधी बात थी कि हम 1857 में एक बार लड़के देख चुके थे, परिणाम ऐसा रहा, ऐसा दमन शोषण, बनारस का एक भी ऐसा नाला नहीं था जिसमें लाशें न बह रही हो, इलाहाबाद का शायद ही ऐसा कोई पेड़ रहा हो जिसपे क्रांतिकारियों को टांगा न गया हो। एक बार हम हिंसा करके देख चुके थे, हमको फिर सड़क पे आने में स्वदेशी आंदोलन के ही टाइम लग गया 1905, उसके पहले हमने कोई जन आंदोलन नहीं किया। गांधी जब आए तो गांधी ने आते ही समय भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में हिंसा, क्यों? अहिंसा विपक्ष के सारे हथियारों को निष्क्रिय कर देता है। फिर जब मॉडर्न इंडिया चलेगी, गांधीवाद पूरा पढ़ाऊंगा तो वहाँ बताऊंगा कि एक चीज़ अभी, गांधीवाद, गांधीवाद देखिए, किसी भी बात में अगर वाद लगा है, यह गांधीवाद 1931 के अधिनियम में सबसे पहले गांधी के ऊपर जब बम फेंका गया था कराची में, उसी समय गांधी ने बोला था कि गांधी मर सकता है, गांधीवाद नहीं। तब पट्टाभी सीतारमैया बताते हैं कि दुनिया ने जाना कि कोई गांधीवाद जैसी चीज़ भी है। फिर वहीं से गांधीवाद पे काम होना शुरू हुआ। हमें ये बताना, मैं आपको चाह रहा हूँ, क्योंकि आज ये क्लास बेसिक क्लास है, आपका बेस रख रहा हूँ, आपका नज़र ले जाना है हमें, ये जो वाद है, किसी भी चीज़ में आप वाद देखिएगा, ये जान जाइएगा, उसका जो है एक पॉलिटिकल अप्रोच होगा, उसका एक इकोनॉमिकल अप्रोच होगा, उसका एक सोशल होगा और उसका एक कल्चरल होगा। कोई कहीं भी अब आप वाद देखिएगा तो उसका एक राजनीतिक पहलू होगा,
उसका एक आर्थिक पहलू होगा, उसका एक सामाजिक पहलू होगा और सांस्कृतिक पहलू। जैसे पूंजीवाद, तो पूंजीवाद यह राष्ट्र राजनीतिक स्तर पर राज्य की भूमिका नाइट वॉचमैन की मानता है, मतलब रात्रिकालीन प्रहरी, जब कोई दिक्कत आए तो वो नाइट वॉचमैन की तरह राज्य बस उस समय हल्का सा हस्तक्षेप करे, नहीं तो अन्यथा क्या करे, उन्मुक्त करे। आर्थिक क्षेत्र पर पूंजीवाद कहता है लेसेस फेयर की बात करता है कि अर्थव्यवस्था में कम से कम जो है उसका हस्तक्षेप हो और अर्थव्यवस्था पूरी तरह से क्या हो, मुक्त अर्थव्यवस्था की हो। एडम स्मिथ की अवधारणा थी, उसी पे पूंजीवाद का यह दर्शन टिका हुआ है। चाहे ऐसे ही 16 सामाजिक स्तर और सांस्कृतिक स्तर, इस पर भी वो पूर्ण उन्मुक्ता की बात करता है। आप इसी पे मार्क्सवाद को रख लो, इसी पे आप कोई भी साम्यवाद रख लो, मार्क्सवाद रख लो, कुछ भी